हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट स्टडी चैनल बिगेटर इन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हुए थे और आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखिए, पिछले लेक्चर में कुछ हम लोग क्वेश्चन को लिखे थे जिसमें टाइम का वेस्टिंग हो रहा था, इसलिए सोचे कि क्वेश्चन को पहले हम लिख देते हैं बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन फाइंड वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इक्वल टू व्हाट। इसका मीनिंग ये है कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा कैसे हम लोगों को फाइंड करना है और यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ साथ उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोगों को जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि हम लोग इजिली फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे इजी वे में देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है हम लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से तो इजिली फाइंड कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसे देखिए, यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन दिख रहा है तो दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे और जो नॉर्मल हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं बस वही काम करेंगे। तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा यहाँ पॉलिनोमियल से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसमें देखते हैं तो ए इक्वल टू क्या है, वन, ए हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये हो गया, इसका भी वन है और सी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म, सी भी वन है तो ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म। लिखना होगा तो लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी, हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी हो गया कॉन्स्टेंट टर्म। तो आइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस वन बाई वन इक्वल टू माइनस वन। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों को मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से ये आ गया हम लोगों का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी कितना है वन और ए कितना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी बाई ए वन बाई वन इक्वल टू वन हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन, ये हमारा आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक काम हम लोग करना है कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, जब एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा और देखिए इससे डिवाइड करते हैं तो अल्फा कैंसिल आउट, बीटा यहाँ हो जाएगा बीटा, अब प्लस इससे डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल और अल्फा बच गया, तो अल्फा इसका जो हम लोग एलसीएम लेकर एड किए तो ये आ गया, नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन किए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन किया हुआ है। तो इतना कर लिए, देखिए अब यहाँ बीटा प्लस अल्फा और यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इजिली, ये भी लिख सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन से ऐड हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब इजीली हम लोगों को देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन जब बन गया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वन है, तो इसको उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा में पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन और बाई अल्फा इंटू बीटा वन इक्वल टू माइनस वन हमारा आंसर हो गया इसका। तो यही हमारा आंसर हो गया जो इजिली फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो चेंज कर करके पूछ सकता है आपसे बहुत ही इजिली, कुछ फॉर्मूला बेस्ड पे, तो उसको भी बताएंगे। पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द जीरो ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज हुआ है आपका, पॉलिनोमियल चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपका गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू
पीएक्स इक्वल टू 3x² + 5x + 13। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, 5 है, और यहां पे ए कितना है, 3 है, तो लिख सकते हैं -5/3। तो यहां से ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बोलिए, सी बाई ए, 13/3, इतना आ गया। अब एक काम इसमें करते हैं, फिर यहाँ नॉर्मल जो हम लोग 1/α + 1/β है, तो 1/α + 1/β का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इधर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए इसी को अरेंज कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब ये आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 13/3। तो यहाँ पे -5/3 डिवाइडेड बाई 13/3 डिवाइडेड बाई 13/3 इतना कर दिए। अब ये कैसे होगा, चेंज हो जाएगा आपका, तो -5/3 × 3/13, ये तो पता होगा आप लोगों को कि ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आइए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ इसका वैल्यू फाइनल आंसर आपका आया -5/13। -5/13 आपका ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन पे अगर आते हैं, बोल रहे राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x - 6। तो ये तो नॉर्मल, देखिए आपके पास दो फॉर्मूला क्या क्या है, एक तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे -b + √√b² - 4ac/2a। फर्स्ट फार्मूला पे, फार्मूला बेस्ड पे है, तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड जो प्रोसेस है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन, अब आइए फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा आपका, x² - x - 6 = 0। अब ये मीनिंग है इसका, x² और -x - 6, यहाँ इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जैसे x² में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आ गया, और इस 6 का फैक्टर फाइंड करते हैं। इसको फैक्टर इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, इसके फैक्टर को फैक्टराइजेशन करने के बाद, कि यहाँ 2 × 3 आया, और 2 × 3 को इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे कि इसके फैक्टर को प्लस या माइनस, प्लस और माइनस करने पे यहाँ जो बिल्कुल मिडिल वाला आपका टर्म्स है इसके इक्वल आ जाए। तो अगर 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और x इधर है तो इसका भी फैक्टराइजेशन x × x, तो 1x इसके साथ, 1x इसके साथ रखेंगे, तो 2 - 3 करेंगे तो -x आ जाएगा। कभी किसी के माइंड में, आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 तो आ सकता है, जैसे 3x - 2x करेंगे तो 1x तो आ सकता है, बट यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन नहीं आ पाएगा यहाँ 3 - 2 करेंगे, तो इसलिए हम लोगों को 2x - 3x लिखना पड़ेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन आ जाइए x² - x² + 2x - 3x - 6 = 0। अब दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन आपका x + 2 माइनस, इसमें कॉमन 3x + 2। अब एक चीज यहाँ पे हम लोगों को साइन में प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो फर्स्ट साइन है, जो फर्स्ट साइन है कॉमन लेने के टाइम में, जो फर्स्ट साइन है सेम साइन यहाँ लिखना है, और सेकेंड टाइम में भी, सेकेंड टाइम जो ब्रैकेट के बाद लिखना होगा वो भी सेम एज इट इज यहाँ पे लिखना है, उसके बाद वाला इस साइन में प्रॉब्लम आती है। इस साइन में है कि यहाँ जो साइन रहेगा और यहाँ जो साइन रहेगा, इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो माइनस और माइनस, प्लस तो प्लस लिख दिए, अगर यहाँ प्लस रहता प्लस माइनस माइनस लिखते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ठो ब्रैकेट वाला सेम लिख देंगे, x + 2 और फिर x - 3 = 0। अब हम लोग देख लेते हैं कि x + 2 = 0 और एक हो जाएगा आपका x - 3 = 0, x = -2, इधर हो गया x = 3।
यही आपका क्या आया, टू जीरो आया, जो अल्फा और बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस टू एंड बीटा इक्वल टू थ्री। चेंज भी कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू कभी ये चेंज कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस टू और अल्फा इक्वल टू थ्री, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये थ्री क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। फिर अब सेवन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेवन नंबर में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना होगा तो हम लोगों के पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पी एक्स निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर थ्री एंड माइनस टू बाई फाइव। पिछले लेक्चर में हम कुछ बताए थे कि अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको बना बनाया दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जब दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि इवेंट डेटा लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है थ्री एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस टू बाई फाइव, इतना दिया हुआ है। तो पी एक्स फाइंड कर लेना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो थ्री एक्स। अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का माइनस टू बाई फाइव माइनस प्लस माइनस टू बाई फाइव, इतना दिया हुआ है। तो देखिए आपका पी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस टू बाई फाइव। अब एक चीज क्लियर करने वाली बात है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी फ्रैक्शन में आए तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, इसे यहां तक लिखिएगा तो गलत नहीं है सही है, बट जब भी फ्रैक्शन में दिख जाए तो आप पी एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन के फॉर्म में बना देना है और इसका क्या करना है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो करके यहाँ से इसके डेनोमिनेटर को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, आपको यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू जीरो कर लीजिए, इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, इक्वेशन फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू बाई फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको इसका क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों है, तो ये हो जाएगा आपका फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस टू बाई फाइव इक्वल टू जीरो। अब इधर से फाइव को क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो जीरो कर लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे कि फाइव इधर आया तो जीरो हो गया, फाइव इंटू जीरो सॉरी जीरो इंटू फाइव, तो ये हो गया फाइव जीरो इंटू फाइव इक्वल टू जीरो। तो फाइनल हम लिख देते हैं यहाँ आपका आ गया जीरो। कैसे आया समझ गया, तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको फोर क्वेश्चन बताए। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको चेंज कर रहे हैं, या इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फिर उसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको घुमाकर पूछ सकता है। तो इसका पूछने का वे है, कभी कभी ये पूछेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि आपका पॉलिनोमियल कोई भी ले लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू इफ पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, ये दिया हुआ रहेगा कि आपका ये पॉलिनोमियल है और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे चेंज करके। तो अल्फा बीटा पूछेगा ही, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। ये अब आप लोगों का एज ए होमवर्क भी रहेगा, इसको सॉल्व घर पे भी करना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, या इसे कीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इस तरह का पूछ सकता है आपसे। ये दो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड ये पूछ सकता है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, ये पूछ सकता है आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ नंबर पूछ सकता है,
अल्फा प्लस बीटा, या इसे कीजिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें ये दे सकता है प्लस टू इंटू इसका, और दे सकता है टू इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत रेयर पूछा जाएगा, नहीं के बराबर, लेकिन ये सब क्वेश्चन है कि आपको देखने को मिल सकता है। अब ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका सॉल्यूशन देखना होगा। तो फिर हम लोग कल के लेक्चर में इसका डिस्कशन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूंगा कि यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, पता है हम लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इतना तो पता है। अब यही वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होगा तो यही रह जाएगा, और इधर टू ए बी को इक्वल के पहले ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता है। तो यही वैल्यू आ गया ना इसका, यहाँ पे देख लीजिए यही वाला सारा वैल्यू पुट कर देना है हम लोगों को। ये वैल्यू पुट कर देंगे, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए और इजिली हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फिर इसका है, इसका तो बता ही दिया कि फ्रैक्शन कर लेना है नॉर्मल, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा ये तो सम में दिया हुआ है, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर से घबराना नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, देखिए माइनस बी बाई ए तो माइनस टू बाई थ्री यही हो जाएगा। फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पुट कर वैल्यू फाइंड करना होगा तो सी बाई ए तो माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री, ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। और क्वेश्चन है तो एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग तो एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए यहीं पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन एक और है आपका, चेक चेक वेदर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 23x प्लस 23x माइनस 35। इसका मीनिंग ये है कि चेक वेदर x इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ एक्स एक्स क्यू प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 35। तो इसको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे इजी वे में ये है कि पी एक्स इक्वल टू, आप पी एक्स के फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। पहले पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 20 माइनस 35। अब ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर देखा जाए पावर कितना है, थ्री है, तो जब पावर थ्री है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस थ्री, तो पी माइनस थ्री, पी माइनस थ्री एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस थ्री से, एक्स का वैल्यू जो है माइनस थ्री है। अब एक्स का वैल्यू माइनस थ्री है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे माइनस थ्री टू द पावर थ्री प्लस इलेवन इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे माइनस थ्री स्क्वायर प्लस 23 इंटू माइनस थ्री माइनस 35। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा जो आएगा। अगर इसका वैल्यू पी एक्स का वैल्यू लास्ट में जीरो आता है, पी माइनस थ्री का वैल्यू लास्ट में अगर जीरो आ जाता है तो ये इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरो हो जाएगा, अदरवाइज इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है तो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं होगा, और आ जाता है तो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो होगा कुछ एक दो क्वेश्चन और होगा, और इसका होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। इस का होमवर्क का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, और
एक दो क्वेश्चन के बाद ये कंप्लीट होगा आपका पॉलिनोमियल।